अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक के कमांड को सीखेंगे। हाइपरलिंक को हम सिंपली लिंक भी कह सकते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, इमेज, वेब पेज या मीडिया फाइल के साथ लिंक करता है और इस तरह हम सिंगल क्लिक पर उस डॉक्यूमेंट, इमेज, वेब पेज या मीडिया फाइल को नेविगेट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिस टेक्स्ट के साथ आप किसी फाइल का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो सपोज मैं लीगल प्लूरलिज्म के टेक्स्ट के साथ वो लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक के कमांड पर क्लिक करता हूँ, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। या फिर ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है कि मुझे इस टेक्स्ट को किस फाइल के साथ या किस चीज़ के साथ लिंक करना है। तो सपोज मैं कोई एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज चूज़ करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सपोज मेरा फाइल जो है वो ई ड्राइव ई पर पड़ा है, तो मैं लुक इन में फिर ड्राइव ई को सेलेक्ट करूँगा और सपोज मेरे फाइल का नाम जो है वो ये है, ये एक मीडिया फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये अब देखिए इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब है कि ये एक लिंक क्रिएट हो गया। अब अगर लिंक को मैं नेविगेट करना चाहूँ तो मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर लेके आता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ तो ये हाथ का एक निशान बन जाता है और फिर इस पर क्लिक करता हूँ। ये मुझे ऑप्शन देते हैं कि क्या आप वाकई इसको ओपन करना चाहते हैं, मैं ओके करता हूँ तो ये मेरा मीडिया फाइल जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस लिंक को रिमूव करूँ तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा, हाइपरलिंक का कमांड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिमूव लिंक के कमांड पर क्लिक करूँगा, तो ये लिंक रिमूव हो गया है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसी डॉक्यूमेंट में किसी बुकमार्क या हेडिंग के साथ कोई लिंक क्रिएट करूँ इस टेक्स्ट का जो सेलेक्टेड है, तो सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक का कमांड सेलेक्ट करता हूँ और या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप किया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, मतलब अपना कर्जर लेके जाना चाहते हैं, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के साथ अपना लिंक क्रिएट करना चाहते हैं या किसी हेडिंग के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। तो सपोज़ हम एक हेडिंग के साथ एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं और वो सोशल वेलफेयर एजेंसी की हेडिंग है। ठीक है, इसको फिर मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। अब अगर इस पर मैं अपना माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, ये हाथ का निशान बन जाता है और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे उसी डॉक्यूमेंट में सोशल वेलफेयर एजेंसी का जो टेक्स्ट है जहाँ पे वहाँ पे ये नेविगेट कराता है। ठीक है, अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बुकमार्क के साथ कोई लिंक क्रिएट करूँ जो मैंने इस डॉक्यूमेंट में क्रिएट की है कुछ बुकमार्क से, तो सपोज़ मैं इस टेक्स्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्लूरलिज्म इसका लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ किसी बुकमार्क के साथ, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक का कमांड सेलेक्ट करता हूँ और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के तहत फिर मैं यहाँ पर आता हूँ बुकमार्क। तो मेरे पास इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बुकमार्क है जो सोसाइटी के नाम से, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो अब सोसाइटी का जो बुकमार्क है इस टेक्स्ट का उसके साथ लिंक क्रिएट हो गया है। अगर मैं उसको नेविगेट करना चाहूँ तो मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर लेके आता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये सोसाइटी का जो बुकमार्क मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर ये कर्सर आ गया है, यानी नेविगेट हो गया है। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है COVID-19, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं किसी ईमेल एड्रेस का कोई लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक का कमांड सेलेक्ट करता हूँ और फिर ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ईमेल एड्रेस दूंगा जिसके साथ मैं ये लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट उस ईमेल का क्या होना चाहिए, सपोज COVID-19, ठीक है, ये उसका मतलब जो ईमेल पे जाए ना लिंक जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए COVID-19। मैं इसको ओके करता हूँ और जब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये लिंक क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इस पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ईमेल के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसमें से सपोज़ मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, गूगल में मेरा एक ईमेल एड्रेस है चूँकि, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ, मतलब लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ या आगे ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ यानी इंटर प्रेस करता हूँ,
ठीक है, ये मुझे मुझसे भी ये मतलब टू स्टेप्स वेरिफिकेशन मांगेगा क्योंकि मैं अपने मोबाइल से लॉग इन हूँ ऑलरेडी इस ईमेल में, तो आगे जाके फिर मैं मतलब ईमेल कंपोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मतलब उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।